जम्मू कश्मीर के पुंछ के गांव बेंच में भारतीय सेना ने लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। भारतीय सेना ने कहा कि आपकी परेशानियां हम आगे तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, तो वहीं लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। समस्याओं के समाधान का आश्वासन पुंछ में दिया गया। लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। भारतीय सेना ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना एक एक करके और समस्याओं को सुना, उसके बाद आश्वासन भी दिया समस्याओं के समाधान का पुंछ के लोगों को। तमाम ऐसी समस्याएं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन लोगों की आती हैं, उन सभी समस्याओं को सेना के सामने रखा गया और सभी सैनिकों ने बखूबी उन समस्याओं को भी सुना यहाँ के लोगों से जो कि स्थानीय निवासी हैं। उसके बाद समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी सेना के जवानों की तरफ से दिया गया और साथ ही साथ लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया उनके समस्याएं सुनने के लिए, साथ ही साथ आश्वासन के लिए। हालांकि सराहनीय पहल, सराहना पुंछ के लोगों की तरफ से की गई सेना के इस काम को लेकर, उनकी समस्याएं सुनने को लेकर लगातार सेना की प्रशंसा भी की जा रही थी। जो पुंछ के लोग पहुंचे थे अपनी समस्याओं को बताने के लिए, सेना के जवानों से मुलाकात करने के लिए, आपका नाम? मेरा नाम एजाज अहमद, लम्बरदार, पंचायत बेंच। तो आज यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक मीटिंग मनकद की गई जिसमें तमाम लोग बुलाए गए और हमें बुलाया। उन्होंने हमारी परेशानियों पूछा कि गांव में कौन कौन सी परेशानी है, तो हमने उनको बताई है हमारे गांव में बहुत सी परेशानी है। तो ये उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि हम उसके कोशिश करेंगे, तो हमने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो इंडियन आर्मी का भी को वो आते हैं गाँव में आकर बहुत सी परेशानियों का पता करते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं लेकिन वो उस पर खड़ा उतरते हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय किसान। मैं ये कहना, इंडियन आर्मी का सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई पंचायत बेंच में, जिसमें हमारे लम्बरदार जी थे और लम्बरदार साहिब थे और चौकीदार साहिब थे और बेंच की आवाम थी। उन सब से उन्होंने, इंडियन आर्मी ने परेशानी पूछी कि आपकी क्या क्या परेशानी है। पहले तो आवाम ने परेशानियाँ बताई और उन्होंने बोला कि हम ये परेशानियाँ हल करने पे उतरेंगे। जैसे कि हमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जैसे हो जाए वो मिल जाएँ, उनकी ज़रूरत है, और अवेयरनेस कैंप किए जाएँ, मतलब से नो टू ड्रग्स। जैसे आज की यूथ है जो ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रही है, मुतला हो रही है, तो अवेयरनेस कैंप किए जाएँ। हम उनसे मतलब एक गुजारिश करते हैं कि अवेयरनेस कैंप किए जाएँ यूथ के लिए, कि जिसमें उनको बताया जाए कि ये ड्रग्स जो है बहुत गंदी चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है, तो उससे बच के रहें।